ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये सारा टॉपिक्स किए थे। कोरिलेशन क्लियर है क्या होता है? यस। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टार्ट ठीक है, ये सब याद है ना? कोवेरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड कोरिलेशन, हाउ कोरिलेशन ऑफ -1, कोरिलेशन ऑफ 1 एंड कोरिलेशन ऑफ 0 एंड हाउ इट इज बिटवीन -1 एंड 1। तो नेक्स्ट टुडे लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके तो ठीक नाउ हमने क्या देखा था कि कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स, लेट्स सपोज x1 एंड x2, क्या होता है इसका फॉर्मूला? लेट्स क्विकली रिवाइज। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम हाँ, ये हो गया। हमने और देखा था कि कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x1 इज नथिंग बट द वेरियंस ऑफ x1 इटसेल्फ। कोरिलेशन हमने देख लिया कि कैसे निकलता है। नाउ इफ आई टेल यू, लेट्स से सपोज हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हाँ हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेट्स से सपोज x2 को हम ले लेते हैं a+bx1। अब निकालते हैं कोवेरियंस ऑफ x1 एंड x2। सो x1 की जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस थिंग। तो अब अगर मेरे को कोवेरियंस ऑफ दीज टू टर्म्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा इफ आई यूज दिस फॉर्मूला? आज अब भी बस स्टार्ट किया मैंने। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का निकालना है तो वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इटसेल्फ। माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होगा x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 के जगह पे क्या a+bx1 है ना, क्योंकि तुम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना ये वाला। तो अब इसको अगर मतलब ये मैं एक करके दिखा रही हूँ डिराइव, ऑब्वियसली आप लोग के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ इफ यू ओपन द ब्रैकेट x1 इंटू a+b इंटू x1 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं बताना, इसको कैसे लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ए बाहर आएगा प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, राइट? ठीक है, तो इसको भी कैसे तोड़ेंगे? एक्सपेक्टेशन के अंदर ये पूरा चीज है, इसको कैसे तोड़ोगे? ए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्सपेक्टेशन, इसका भी ब्रैकेट मैं खोल रही हूँ, इंटू माइनस बी एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ x1, क्योंकि एक्सपेक्टेशन x1 इंटू एक्सपेक्टेशन x1 है ना, तो ये वैसे स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है मेरा? ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब जो इसमें से बच रहा है, बी कॉमन ले लो दो टर्म में से, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x, इसका क्या होता है मीनिंग, व्हाट इज दिस, वेरियंस हो गया। सो वेरियंस ऑफ x1 ये हो गया, तो यहां से हम यहाँ आ गए। बट अगर मैं बोलू कि इस इतना बड़ा जो हमने पूरा डेरिवेशन किया है दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके बदले हम क्या कर सकते थे,
जब मैंने ये लिखा ना कोवेरियंस, तो जस्ट इमेजिन ठीक है कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं. कोवेरियंस ऑफ x1, a मतलब इसको इसके साथ प्लस इसको फिर इसके साथ, तो कोवेरियंस ऑफ x1, b x1. अब इसमें क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ x1 विच इज अ रैंडम वेरिएबल इनटू a इज अ कांस्टेंट. आप कांस्टेंट के साथ अगर कोवेरियंस निकालोगे तो वो क्या होगा, जीरो. कोवेरियंस क्या होता है, अगेन इफ यू जस्ट पुट दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये वाला का फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको डाले तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये भी हो जाएगा माइनस ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, दोनों जीरो हो गया. एंड अगर हम लोग थोड़ा आइडियली समझे कोवेरियंस क्या था, कोवेरियंस इज मेजर ऑफ, व्हाट इज कोवेरियंस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाट, हाउ द वेरिएबल्स आर मूविंग टुगेदर. नाउ ए इज नॉट मूविंग एट ऑल, ए इज कॉन्स्टेंट वेर एज x1 इज मूविंग, तो दोनों का कोवेरियंस विल बी जीरो, राइट, है ना. हाँ तो ये आपका हो जाएगा जीरो. प्लस ये वाला में अगर हम इसको अगेन इफ यू जस्ट पुट दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, जस्ट इमेजिन हाउ वी आर डूइंग इट. एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, b मतलब ये वाला पूरा फॉर्मूला में आप अगर कोवेरियंस को इस फॉर्मूला में डालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 into b x1, सो b इंटू x1 स्क्वायर हो गया, b बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ b इंटू x1, b बाहर आ गया, ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट b कॉमन लेके वेरियंस. तो यहां अगर हम ले ये दोनों जो टर्म्स होते हैं ना, तो आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आप बाहर लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, स्क्वायर होके नहीं आते. स्क्वायर होके क्यों नहीं आते मैं समझा रही हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इसका वेरियंस निकाल रहे होते, एक बार ध्यान दो, हम लोग जब बोलते हैं वेरियंस ऑफ bx1, ठीक है, दिस इज सिमिलर एज राइटिंग को वेरियंस ऑफ bx1 into bx1. मैंने कराया था ना लास्ट क्लास, कोवेरियंस ऑफ x1, x1 इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ x1, तो यही होता है इसका मीनिंग. मतलब वेरियंस ऑफ bx1 का क्या मीनिंग है, कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ bx1 विद bx1 इटसेल्फ, राइट, मेजर ऑफ स्प्रेड. तो ये अब दो बार b आ रहा है ना, तो ये b स्क्वायर होके बाहर आएगा विच इज कोवेरियंस ऑफ x1 into कोवेरियंस ऑफ x1, दिस इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ x1. तो ये हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं. अब ये चीज यहाँ पे एक ही बी है, तो एक ही बी बाहर आया एंड कोवेरियंस ऑफ x1, कोवेरियंस ऑफ x1 विच इज नथिंग बट b into वेरियंस ऑफ x1, ठीक है. तो एक काम करो, इसको ना पूरा ये वाला जो चीज है इसको पूरा पहले तो कंप्लीट कर लो, लिख लो इसको, ठीक है. यही है, ये जो मैंने लास्ट क्लास नहीं कराया था वही फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो ये वाला तो वही है, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लो, ये पूरा लिख लो. पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा जिनका स्पेसिफिकली मैथ नहीं था या फिर साइंस नहीं था, तो अब ये सब चीज धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है. करवाऊंगी बट उसने तो वीडियोस ही नहीं करा है. हाँ सी व्हाट आई विल डू इज सम्स हम लोग तभी कर पाएंगे ना जब एटलीस्ट चार पांच चैप्टर्स हो जाए, बिकॉज सबका साथ में मिला के आता है. खाली प्रोबेबिलिटी का सम्स हमने थोड़ा बहुत कर लिया है, खाली रैंडम वेरिएबल का कर लिया, उतना उसका सेम चीज का कितने बार करेंगे, उतना आता भी नहीं है ना. सो जो आते हैं सम्स पास पेपर से वही लेके करना सही रहेगा. तो ट्राई टू कम्प्लीट इट बाय संडे, तुम संडे तक कम्प्लीट करो सारा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक से सम्स कर लेंगे एक दो क्लास, करेक्ट. एंड उसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे, मशीन लर्निंग है, रिग्रेशन है,
तो एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वहां पे तुम लोग कर पाओगे। हाँ ये पूरा, यही तो मैंने मतलब, ये तुम लोग को याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कैसे हो रहा है सब कुछ। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम लोग को एक और चीज अगर दूं कि तुम लोग निकालो, लेट्स सपोज कोवेरियंस ऑफ ए प्लस बी एक्स वन कॉमा सी प्लस डी एक्स टू, तो ये कैसे होगा? देखो स्ट्रेट अवे करना है इसको, डिराइव कुछ नहीं करेंगे। देखो इतना इतना टाइम नहीं होगा। ए के साथ सी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ए के साथ डी इंटू एक्स टू कॉन्स्टेंट के साथ एक्स टू जीरो, ठीक है गया। फिर बी एक्स वन इंटू सी, ए इज अ कॉन्स्टेंट एक्स टू इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो बी के साथ कोई कोवेरियंस, कोवेरियंस है क्या? व्हाट इज कोवेरियंस? कोवेरियंस मतलब हाउ दीज टू आर मूविंग टुगेदर, है ना। अब बी एक्स वन इंटू सी, ये भी इन दोनों का कोवेरियंस भी जीरो। बी एक्स वन और डी एक्स टू का ही कोवेरियंस होगा। सो व्हाट आर वी राइटिंग, मतलब कोवेरियंस ऑफ बी एक्स वन कॉमा डी एक्स टू, ये लिखने का जरूरत नहीं है, लिख लो फॉर द सेक, बट ये भी तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। बी एंड डी बाहर आ गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, गॉट इट? ठीक है। अब सेम चीज, लेट्स फाइंड आउट कोरिलेशन, कोरिलेशन ऑफ बी एक्स वन कॉमा डी एक्स टू। कोरिलेशन निकाला है प्रीवियस क्लास में, क्या होता है कोरिलेशन? एक्स वन कॉमा एक्स टू का फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिग्मा वन इंटू सिग्मा टू बेसिकली। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी डी कोवेरियंस ऑफ एक्स वन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एक्स टू, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ओवर वेरियंस ऑफ बी एक्स वन इंटू रूट ओवर वेरियंस ऑफ डी एक्स टू, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद पहले देख लो कैसे करेंगे, ये वाला जो बी है ये बाहर आ जाएगा वेरियंस के, बी स्क्वायर होके, और फिर रूट है तो अब उसके बाहर आ जाएगा एज अ बी। ये वाला जो डी है वो वेरियंस के बाहर आएगा डी स्क्वायर होके, और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा डी होके। तो ये क्या बचा, बी डी कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू डिवाइडेड बाय बी डी, इसको आप लोग या तो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में लिख लो या यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस ओनली इफ यू वांट, ठीक है। हाँ तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लोगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये वाला मैंने क्या किया है, ये वाला इज योर रूट के अंदर, डी बाहर चला जाएगा, डी स्क्वायर होके जाएगा ना, वेरियंस ऑफ एक्स टू, डी बाहर आ गया वेरियंस ऑफ एक्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स टू। वेरियंस का रूट स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम भूल गई, वेरियंस
ए इंटू एक्स वन क्या होता था, ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स वन होता था ना। अभी तो ऊपर मैंने इसीलिए ये भी चीज दिखाया था तुम लोगों को, बी एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब यूजुअली क्या होता है, एक बार ध्यान देना, यूजुअली ये कट ऐसे नहीं होता क्योंकि बी एंड डी तो आप ऐसे यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि ये बी एंड डी स्क्वेयर है एंड रूट के बाहर आ रहे हैं, तो इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो, राइट। सो आइडियली हम लोग इसका मॉड दे देते हैं। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि बी एंड डी कैन आइदर बी अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव। तो अगर वो स्क्वेयर है, सपोज देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि बी का स्क्वेयर का रूट है, तो आप उसको बी लिख दोगे, बट दिस बी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, सो यू नीड टू टेक अ मॉड ऑफ इट, एंड देन दैट डिपेंड्स कि उसका साइन क्या था, क्योंकि कोरिलेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। बट जो मैं यहां लिख रही हूँ उससे आप लोगों को लगेगा कि इट्स पॉजिटिव, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव हो। बी डी का साइन की वजह से ऑल्सो इट कैन चेंज। तो इसीलिए इसको हम लोग आइडियली कैसे लिख सकते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग बी एंड डी, हम लोग को इसका साइन मैटर करता है। तो साइन ऑफ बी, साइन ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ डी, एंड देन यू कैन राइट दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज कोरिलेशन पार्ट, है ना, कोरिलेशन ऑफ x1, x2, क्योंकि साइन ऑफ बी एंड डी मैटर करेगा। अगर कैंसिल आउट कर भी रहे हो तो साइन थोड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी अगर नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, तो एक साइन हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, वही चीज है। ठीक है, अब अगर ये वाला चीज कॉपी कर लिया, अब अगर हम लोगों को ये भी पता है, अगर मैं ये कोरिलेशन का साइन होता है, ये हो गया कोवेरियंस, ये हो गया ना, ये मैंने लास्ट क्लास दिखाया। अब अगर तुम लोगों को कोवेरियंस निकालना है, कोरिलेशन गिवन होगा, तो निकाल सकते हैं कोरिलेशन इनटू सिग्मा वन इनटू सिग्मा टू करके। देखो इसको ना हम लोग कोवेरियंस को, अब आते हैं एक्चुअल चीज में, कोवेरियंस ऑफ एक्स, वेयर एक्स, मैंने खाली एक्स लिखा है, आप बोलोगे कि आपने x1 x2 तो कुछ लिखा ही नहीं। नाउ लेट्स अज्यूम दैट एक्स इज अ मैट्रिक्स, लिखो द वेरियंस ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। हाँ, द वेरियंस ऑफ ईच कॉम्पोनेंट एंड द कोवेरियंस बिटवीन द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्स आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज अ 2x2 मैट्रिक्स, आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज अ 2x2 कोवेरियंस मैट्रिक्स। एक्सप्रेस्ड एज अ 2x2, टू 2x2 कोवेरियंस मैट्रिक्स। हेंस द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ एक्स देखो कैसे लिखते हैं। इसको 1x2 ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है वैसे लिखने। इसका मीनिंग समझाती हूँ, देखो
यहां आपका x1 मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है. सो मैट्रिक्स बेसिकली आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं स्क्वायर हो. एंड यहाँ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एनी साइज मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी साइज. ठीक है, अब यहाँ एक बार देख लो फिर करना. तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो मैट्रिक्स के अंदर सारे नंबर्स होते हैं. जैसे तुम क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेट लिखते हैं कि ये नंबर्स आपके पॉसिबल हैं. इसको तुम एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो दैट दिस इज मैट्रिक्स बट जिसमें वन रो है खाली. वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज अ मतलब देर आर नंबर ऑफ रोज, देर आर नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, एंड उसके अंदर सारे नंबर्स हैं. ठीक है, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, या तो खाली नंबर्स या तो खाली टेक्स्ट. अब एक बार देख लो, यहां मैं बोल रही हूँ x1 x1 x2 x2. ठीक है, ये आपका रोज हो गया, ये आपका कॉलम्स हो गया. ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि x1 एंड x1 का कोवेरियंस इज नथिंग बट उसका वेरियंस. तो x1 सिग्मा 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने. सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरियंस ऑफ x1. x1 एंड x2 का कोवेरियंस या वेरियंस इज सिग्मा 1 2. x2 एंड x1 का इज सिग्मा 1 2 अगेन. x2 एंड x2 का इट इज सिग्मा 2 स्क्वायर. गॉट इट? इसको हम लोग बोलते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स. करेक्ट. ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट है, जैसे को वेरियंस निकाला हमने, मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ मल्टीवेरिएट देख लिया, वेरियंस ऑफ मल्टीवेरिएट देख लिया विच इज को वेरियंस इटसेल्फ, कोरिलेशन हमने देख लिया. नाउ यू कैन ऑल्सो से दैट देर कैन बी समथिंग एज को स्क्यूनेस. हमने स्क्यूनेस किया था ऑफ टू वैल्यूज. सिमिलरली को स्क्यूनेस इज व्हाट? स्क्यूनेस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स. स्क्यूनेस हमने एक रैंडम वेरिएबल का किया था. को स्क्यूनेस कैन बी ऑफ टू और मोर. नाउ यूजुअली उतना ज्यादा यूज हम ये नहीं करते हैं, बट इसका अगर मैं मेजर तुम लोग को दिखाऊं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला लिख लो. याद है स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता था? न्यूमरेटर में क्या लिखते थे? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्यूब माइनस, या फिर यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट लाइक दिस, माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय एन. याद है ना? या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्यूब माइनस वो पूरा एक्सपेंशन जो हमने किया था. तो यहाँ पे इफ आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, क्योंकि एनी विच वेज उतना आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा. न्यूमरेटर में रेज टू दी पार 3 है. स्क्यूनेस क्या हो रहा था? रेज टू दी पार 3. वेरियंस आर रेज टू दी पार 2 और न्यूमरेटर में रेज टू दी पार 3 है और यहाँ पे भी तो रेज टू दी पार 3 है. स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर और यहाँ पे इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, रेज टू दी पार 3 हुआ, ऊपर में भी रेज टू दी पार 3 हुआ, तो ये यूनिटलेस हो गया. स्क्यूनेस क्या था? यूनिटलेस था, वैसे ही हो गया ये. उसको उल्टा भी लिख सकते थे, एज इन ये वाला जो चीज है, यू कैन ऑल्सो जस्ट राइट इट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 2 आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, है ना?
तो मतलब आप ये अलग आंसर आएगा, ये अलग आंसर आएगा ऑब्वियसली, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है. अब यहाँ पे पहले समझो कोस क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. सो कोस क्यूनेस का मीनिंग इज, लिखो, लिखो, दे मेजर वेदर वन रैंडम वेरिएबल ब्रैकेट में रेस्ड टू द पावर वन टेक्स अ क्लियर डायरेक्शन वेन एवर द अदर रिटर्न ब्रैकेट में रेस्ड टू द पावर टू इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड ब्रैकेट क्लोज इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड. समझा रही हूं, देखो इसका मीनिंग क्या है कि एक को तुमने रेस टू द पावर टू किया है ना, एक रैंडम वेरिएबल, और एक नहीं है, तो एक तरीके से ये कोवेरियंस के जैसा ही फॉर्म, कोरिलेशन के जैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है. कोरिलेशन में आप डायरेक्शन देख रहे थे कि प्लस पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है. पॉजिटिव साइड मतलब दोनों साथ में जाएंगे, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा. नेगेटिव साइड मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, दैट वॉज कोरिलेशन. यहाँ पे भी सिमिलर मीनिंग है कि ये जो तुम्हारा रेस टू द पावर वन है, हाउ दिस विल मूव वेन योर अदर रैंडम वेरिएबल विच इज रेस टू द पावर टू, हाउ दैट इज मूविंग. एंड यूजली वी से दैट स्टॉक मार्केट में यूजली वी से दैट कोस क्यू बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नेगेटिव वाई. अगर एक जो स्क्वायर, अगर एक रिटर्न है स्टॉक का वो नेगेटिव जा रहा है, सो वी से कि जो अदर वेरिएबल है विच इज रेस टू द पावर टू उसका मैग्निट्यूड काफी हाई होगा, मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में काफी हाई होगा. जब मार्केट गिरता है बहुत फास्ट गिरता है, पर जब बढ़ता है तो उतना फास्ट नहीं बढ़ता है. वोलेटिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है. ये आप लोग जब आप लोग सीखोगे अपने बाकी सब्जेक्ट्स में, तो वहां पे आप लोग सीखोगे कि जब कॉल खरीदते हैं, बाइंग अ कॉल, हाउ डज अ बाइंग अ कॉल लुक्स लाइक, टेल मी. बाइंग अ कॉल लुक्स लाइक दिस. हाउ डज अ सेलिंग ऑफ पुट लुक्स लाइक, मतलब मार्केट जब नीचे जाएगा तब वो गिरेगा. आपका सेल किया है पुट, पुट सेल किया है और प्रीमियम मिलेगा बाकी टाइम पे. देखोगे कि ये जो होता है ज्यादा स्टीपर होता है, वो इसीलिए एज इन ये तुम लोग इसका पढ़ोगे प्रैक्टिकली, कि जो हम लोग सेल करते हैं कुछ, सेलिंग अ पुट, उसमें यू एक्सपीरियंस मोर वोलेटिलिटी. आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे तो यार हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट भागेगा तो हमारा अनलिमिटेड, कभी अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है? मार्केट तो उतना भागेगा ही नहीं. अगर आप करंटली, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, डू यू थिंक दैट आप अनलिमिटेड मार्केट भाग सकते हैं? बट जब गिरता है, अनलिमिटेड नहीं बोलेंगे, बट इट फॉल्स बाय अ लार्जर क्वांटिटी. सो कोस क्यू इज जनरली कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव बिटवीन टू, जहां पे आपका एक वेरिएबल अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो दूसरा नेगेटिव, मतलब ये सिंगल वाला मैं समझ रही हूँ, स्क्वायर नहीं किया मैंने उसको, तो दूसरे वाले का मैग्निट्यूड विल बी हाई, मतलब दूसरे वाले में वोलेटिलिटी ज्यादा है. क्योंकि अब दूसरा वाला क्या मेजर कर रहा है, ये तो एट द एंड वोलेटिलिटी ही मेजर कर रहा है ना, ये जो फॉर्मूला है ये तो एट द एंड वोलेटिलिटी ही मेजर कर रहा है ना, एक तरीके से वेरियंस मेजर कर रहा है. तो अगर एक आपको ये रिटर्न देगा नेगेटिव, तो इसका वोलेटिलिटी हमेशा यूजली ज्यादा रहेगा. That is what we say, ठीक है. बट अदरवाइज इन डिटेल में आई हैव नॉट सीन कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट दैट इट्स अ टॉपिक ओवर हियर. तो आप लोग को खाली एक ब्रॉडली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. गॉट इट. यू ऑल कैन राइट दिस डाउन. इट इज कॉमन फॉर रिटर्न्स इन इंडिविजुअल स्टॉक, इट इज कॉमन फॉर रिटर्न्स
on individual stock to have negative cos q. On individual stocks to have negative cos q comma, so that when one return is negative, comma, the other tends to experience a period of high volatility. तुम लोग दोनों लेफ्टी है. ब्रैकेट में दैट इज इट्स स्क्वेयर्ड वैल्यू इज लार्ज. ठीक है, अब दूसरा लिखो, वेरिएंस ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल. बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू. कुछ नहीं है ऐसा, बहुत इजी, सब कुछ सेम है. इसको अगर मैं डिराइव करूं तो आई कैन शो यू द डेरिवेशन, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप लोग स्ट्रेट अवे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो. ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला लिख लो, बिकॉज ये यूज आएगा हम लोग को पोर्टफोलियो थ्योरी में, जब हम लोग पोर्टफोलियोज मेजर करेंगे. मतलब क्या कर रहे हैं, हमने एक्स वन के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स वन होगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया. ठीक है, वैसे ही. और यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट, टू इंटू ए बी. अब एक बार समझ लो, देखो हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स प्लस एक्स टू इज वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस देर इज अ कोवेरियंस पार्ट. कोवेरियंस पार्ट का क्या मीनिंग है, कि साथ में दोनों कैसे चलेंगे, अलग अलग प्लस साथ साथ में कैसे दोनों चलेंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू कि कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज जीरो, कोवेरियंस जीरो होने का क्या मतलब है, मैंने कोवेरियंस का एक लाइन लिखवाया है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मैंने लीनियर रिलेशनशिप लिखवाया है, कोवेरियंस मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप, ऐसा कुछ लिखवाया है, नहीं ना, वो भी मैं लिखवाऊंगी. तो बेसिकली अगर आप बोलते हो कि कोवेरियंस जीरो है, तो आपका खाली क्या बचा, इंडिविजुअल वेरियंसेस को आपने एड कर दिया. लेट्स से सपोज मेरे पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स है, एक हो गया आईटीसी और एक बोलो जो एकदम अनकॉमन, आईटीसी से एकदम रिलेटेड नहीं है, मतलब एकदम जिसका कोवेरियंस आप बोल सकते हो जीरो आए. हाँ, एमआरएफ टायर्स, गुड, मतलब कोई रिलेशन, एज इन कोवेरियंस नहीं दिख रहा है उतना, है ना, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कोवेरियंस. अगर आप लोग एक्सेल में यू टेक आउट, मैं नेक्स्ट क्लास करके दिखा सकती हूँ, वी कैन टेक आउट शेयर प्राइस ऑफ आईटीसी फॉर द लास्ट
उसमें ना कम से कम 5-6 साल का डेटा लेंगे, 5 साल का, एंड MRF टायर्स का ले लेंगे एंड दोनों का कोवेरियंस देखेंगे क्या आ रहा है एक्सेल में, आज के क्लास के एंड में भी कर सकते हैं. तो कोवेरियंस आइडियली जीरो आना चाहिए, के अराउंड, एकदम जीरो नहीं आता है बट आइडियली शुड बी क्लोज टू जीरो. तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में एक MRF टायर्स है और एक ITC है, दोनों का कोवेरियंस मैं बोल रही हूँ जीरो. तो दोनों का, मेरे पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी क्या होगा, वो तो ठीक है कम होगा इज अ गुड गुड आंसर, बट मेरे पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी आप कैसे मेजर. वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी इज यूजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है, तो वो आप कैसे मेजर करोगे. बट हाँ, पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी इज कोवेरियंस, तो वो आप कैसे मेजर करोगे, दैट इज नथिंग बट वोलेटिलिटी इन ITC प्लस वोलेटिलिटी इन MRF. साथ में नहीं आएगा वो टर्म वेरी क्लोज टू जीरो, दैट इज व्हेन योर कोरिलेशन और कोवेरियंस बिटवीन द टू स्टॉक्स इज जीरो, विच लीड्स टू व्हाट, एक वर्ड होता है जो हम लोग यूज करते हैं, विच लीड्स टू व्हाट, बोलो, सोचो, कोरिलेट, मतलब इट लीड्स टू व्हाट, तुमने जो बोला कि कम आएगा, इट लीड्स टू व्हाट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इट लीड्स टू व्हाट, पोर्टफोलियो. अब यही मेरे मेरे अब मान लो, चलो दो दूसरे स्टॉक्स लेते हैं, लेट्स सपोज एक मैंने लिया ICICI बैंक, एक मैंने ले लिया HDFC बैंक, दोनों बैंक्स है प्लस दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ठीक है, तो डू यू थिंक दैट कोवेरियंस विल बी जीरो. बैंकिंग अगर भाग रहा है, बैंकिंग सेक्टर दोनों साथ में भाग रहा है, गिर रहा है तो दोनों, क्योंकि रेगुलेशन रूल्स दोनों में साथ में अप्लाई हो रहे हैं. तो मेरे अब पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी इज व्हाट, वोलेटिलिटी इन ICICI प्लस HDFC प्लस अ कोवेरियंस टर्म ऑफ द बोथ, गॉट इट. सो कोवेरियंस जितना कम होगा टुवर्ड्स जीरो, उतना मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा, मतलब उतना मेरे पोर्टफोलियो का कोवेरियंस या कोरिलेशन कम होते जाएगा. कोवेरियंस अगर कम होगा तो कोरिलेशन भी कम होगा, क्योंकि कोरिलेशन इज मेजर्ड एज कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू स्टैंडर्ड. तो न्यूमरेटर अगर कम होगा तो पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, गॉट इट, अंडरस्टूड, ठीक है. तो लिखो द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, हाँ, द रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन पहला पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न्स, on the asset in the portfolio, and point two, the portfolio's weights weights on these assets. So let's suppose if I am saying कि मेरे पोर्टफोलियो में, if I am saying कि मेरे पोर्टफोलियो में दो शेयर्स है या दो स्टॉक्स है, एक का वेट W है तो दूसरे का वेट क्या होगा. लेट्स सपोज एक मैं बोल रही हूँ 60% है, या हम लोग इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, तो दूसरे का वेट क्या होगा, 1 - W, क्योंकि इंटायरली इन्वेस्टेड है, गॉट इट. तो कितना मैंने उसमें वेट डाला है इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, एंड कि हर एक दोनों का, X1 का क्या रिटर्न है अलग एंड X2 का क्या रिटर्न है अलग, उस पर भी डिपेंड करते हैं, प्लस कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्टेड है उस पर भी डिपेंड करते हैं, करेक्ट. तो इसका अगर मुझे लिखो, वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न इज
अब यहाँ पे वो कोवेरियंस वेरियंस मैट्रिक्स जो था वो काम आएगा. मैंने क्या लिखा था इधर पे, सिग्मा वन का स्क्वायर, ये था. और मैंने इन्वेस्ट किया है डब्ल्यू इन फर्स्ट शेयर, ठीक है, और वन माइनस डब्ल्यू इन द सेकेंड शेयर. तो इसका देखो कैसे लिखेंगे. दिस दिस डब्ल्यू इज एक्टिंग लाइक ए एंड दिस वन माइनस डब्ल्यू इज एक्टिंग एज बी. सो व्हाट इज द वेरियंस ऑफ माय ओवरऑल पोर्टफोलियो, इट इज डब्ल्यू इंटू एक्स वन प्लस वन माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स टू, ये होगा. एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, डब्ल्यू स्क्वेयर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स वन को ना मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस डब्ल्यू सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू डब्ल्यू इंटू वन माइनस डब्ल्यू, ये था ना, इंटू कोवेरियंस वाला टर्म. एंड कोवेरियंस वाला टर्म इज व्हाट, सिग्मा वन टू. दिस इज लिखो, वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज दिस. अब अगर ये मेरे पास दो शेयर्स हैं, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, मैं आप लोग से पूछूं, आप लोग मेरे एडवाइजर हो, ठीक है, मैं आप लोग से पूछूं कौन सा आइडियल डब्ल्यू होना चाहिए, कितना वेट मैं एक्स वन में डालू सो दैट मेरे पोर्टफोलियो का वेरियंस मिनिमाइज हो जाए. वो पूरा फॉर्मूला से डिराइव होता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. हम लोग लिखेंगे, लिखो द वेरियंस मिनिमाइजिंग, द वेरियंस मिनिमाइजिंग वेट, वेरियंस मिनिमाइजिंग. द वेरियंस मिनिमाइजिंग वेट, इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो, दैट मेक्स द वेरियंस एज स्मॉल एज पॉसिबल इज गिवन बाय. W star is the weight minimizing, variance minimizing weight. मतलब W star is being invested in X1. X2 में कितना इन्वेस्ट होगा? W star is being invested in asset 1. 1 minus W star is being invested in. तो एसेट वन में आप W star इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसीलिए न्यूमरेटर में हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा टू का स्क्वायर. सिग्मा टू इज किसका वेरियंस, सेकेंड एसेट का वेरियंस माइनस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय. ये पूरा चीज क्या है, ये पूरा चीज एक्चुअल में क्या है, वेरियंस ऑफ वन प्लस वेरियंस ऑफ टू माइनस टू इंटू कोवेरियंस ऑफ बोथ. ये पूरा फॉर्मूला होता है व्हेन यू हैव टू एसेट्स इन योर पोर्टफोलियो एंड यू वांट टू मिनिमाइज इट्स कोवेरियंस. ये पूरा डिराइव होता है एक्चुअली वेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो. तो ये डिराइव करके ये आते हैं, लैग्रांजियंस एंड ऑल यूज करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल देयर इन योर सिलेबस, ठीक है. अब ऑब्वियसली एक चीज तो हमें फॉर श्योर पता है कि हमारे पोर्टफोलियो का अगर कोरिलेशन माइनस वन है, एकदम नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस में हमारा वेरियंस ऑफ द इंटायर पोर्टफोलियो विल बी वेरी लो, जीरो ही हो जाएगा. क्योंकि एक अगर ऊपर जाएगा दूसरा एकदम नीचे जाएगा, सेम पूरे अमाउंट से, एक 5% से बढ़ा, एक 5% से घट गया, तो आपका वोलेटिलिटी तो एकदम कम है ना, आपका पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी एकदम कम है, ठीक है. तो जितना कम होगा कोरिलेशन उतना आपका वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी लो. गॉट इट, ठीक है. तो
करेक्ट, हाँ वो सब तुम लोग फिर उसमें सीखोगे, कौन सा इतना नहीं है, बट हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक एंड एवरीथिंग? हाँ वो इसके बाद, रुक जाओ, नहीं, इसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे बिकॉज इसमें फॉर्मूला चाहिए. अगर मैं तुम लोग को बोलूं, चलो एक क्वेश्चन अगर करें, जहां पे मैं बोल रही हूँ σ1² σ1² का क्या मतलब है, या σ1 ले लो 20% एंड σ2 ले लो 10%, इसका क्या मीनिंग है? एंड रो, रो क्या होता है? करेक्ट, कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 ले लो 1. अब मेरे को बताओ कि आपका W स्टार क्या होगा? कैसे निकाल रहे हैं तुम लोग? ये हो जाएगा फॉर्मूला में पुट इन करें तो का स्क्वायर माइन वन, कहां से लिख दे रहे हो? σ1² इज कोवेरियंस, नॉट कोरिलेशन. और कोवेरियंस कैसे निकालते हैं जब कोरिलेशन गिवन होता है? ऊपर मैंने लिखा है फॉर्मूला, जाके देखो. तो 1 × 20% × 10% कोवेरियंस होगा ये. डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर, 20% का होल स्क्वायर, −2 × 1 × 20% × 10% +10% का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है? W स्टार. आ सकता है, आई मीन आई एम नॉट श्योर, मैंने किया नहीं इसका कैलकुलेशन. 0.1² 0.001 हो जाएगा, −0.02. एक बार फिर से करके देख लूं क्या आ रहा है. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग मैंने लिखा है, एक बार देख लूं. ठीक है, तो अगर हम एसेट ए में, एक बार रुक जाओ, अगर हम लोग एसेट ए में -1 डाल रहे हैं,
तो एसिड बी में कितना डालेंगे? टू, टू डालेंगे ना, वन माइनस वाई माइनस वन का क्या मीनिंग? आप सेल कर रहे हो, और यहां आप, दैट्स हाउ यू गेट योर लोएस्ट वेरियंस पुट, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द वेरियंस मिनिमाइजिंग, राइट? तो आपका वेरियंस क्या आएगा उस केस में? फिर आपका वेरियंस तो यही है, पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो का वेरियंस निकालो अब, पोर्टफोलियो का वेरियंस थोड़ी निकला है। हाँ, तो पोर्टफोलियो का वेरियंस निकालो इस केस में, जब ये माइनस वन आ रहे हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का वेरियंस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स वन कॉमा वन माइनस डब्ल्यू एक्स टू, डायरेक्टली करो, फॉर्मूलाज मत लिखो। तो माइनस वन का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2 इंटू कोवेरियंस। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? कोवेरियंस के लिए हम लोग को ये वाला रो इंटू यूज करना पड़ेगा, विच इज 1 इंटू 10% इंटू 20%। दिस पार्ट इज द कोवेरियंस पार्ट, क्योंकि कोवेरियंस गिवन नहीं है, तो कोरिलेशन इंटू सिग्मा वन। हाँ, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर है ना ऊपर। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये वाला मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दो ना प्लीज, ये मैंने स्किप कर दिया था शायद। ठीक है, इसको बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके वेरिएंस। अब तुम लोग कोई भी वेट ले लोगे अदर देन दिस वेट फॉर दिस कोरिलेशन, तुम लोग का वेरिएंस इससे कम तो नहीं आएगा। दैट इज अ वेरिएंस मिनिमाइजिंग वेट। माइनस वन छोड़ के कुछ भी और लोगे, इससे कम पोर्टफोलियो वेरिएंस हम लोग का नहीं आ सकता है। ठीक है, ये निकालो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।